तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आईटीआई 28 सेक्टर चंडीगढ़ में, जहां पे हम देखेंगे रोबोटिक आर्म से वेल्डिंग होती हुई। तो रोबोटिक आर्म से जो वेल्डिंग होती हुई आपको दिखानी है, वो एक्चुअली यहां पे सेटअप किया मारुति की तरफ से। मारुति ने यहां पे एक सेटअप लगाया ताकि बच्चों को रोबोटिक आर्म से वेल्डिंग कैसे होती है वो दिखाया जा सके। तो ये पार्ट्स आपको पहले बता दूं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहां पे हम देखेंगे तो ये हो रही है मिग वेल्डिंग। ओके, मिग वेल्डिंग हमारे पास मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है। इसमें हम जो गैस यूज करते हैं वो आर्गन गैस यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जैसे डेमो पर्पज के लिए तो हम यहाँ पे आर्गन गैस नहीं यूज कर रहे, हम कार्बन एक्सटर्नल गैस यूज कर रहे हैं और इसको MAG बोल देंगे। MAG का मतलब होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो देखो CO2 ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं देगा यहाँ पे रिजल्ट, लेकिन हमें यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए इसलिए हम यहाँ पे CO2 यूज कर रहे हैं और मिग वेल्डिंग कर रहे हैं। तो मिग वेल्डिंग के लिए आपको जैसे पता है कि हम एक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड लगातार यहाँ पे आती रहेगी और इलेक्ट्रोड यहाँ पे आएगी और ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होती है। ये कंज्यूमेबल मतलब लगातार चलती जाएगी, ये उतरती जाएगी यहाँ से भाई साहब और यहाँ पे ये कंज्यूम होती जाएगी। और ये इसमें अलग अलग सर्वो मोटर्स लगी हुई है, जहाँ पे ये देखो एक सर्वो मोटर, दो, तीन, चार, तो ये अलग अलग सर्वो मोटर है जो इसको चला रही है रोबोटिक आर्म को। और यहाँ पे अब ये एक्चुअली क्या होता है, मारुति जैसी कंपनी में ये ऐसा नहीं होता हाथ से हम काम करते, हाथ में काम करने की दिक्कत कहाँ आती है, हमें ये प्रॉब्लम आती है। एक तो भाई साहब देखो, हमने जब वेल्डिंग करनी है तो हमारे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच का जो जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब इंसान जो है वो इस 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, और प्लस हम जैसे मान लीजिए कर रहे हैं काम कर रहे हैं, हमने वेल्डिंग फास्ट की तो हमारी जो बीड है वो छोटी पड़ जाएगी, पतली हो जाएगी। अगर हमने धीरे धीरे वेल्डिंग की तो वो बीड जो है थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, और ये हम चाहते नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कार ले रहे हैं, वहां पे देखिए कार में जहां पे बॉडी में कहीं वेल्डिंग हो रही है, वो वेल्डिंग आपको दिख रही है, कितना गंदा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रोबोटिक से कराते हैं। तो रोबोट से जब करते हैं वेल्डिंग तो वो एकदम एक्यूरेसी के साथ करेगा, प्रॉपर गैप के साथ और प्रॉपर स्पीड के साथ, जितना हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे साथ, वो इनके एक्सपर्ट बन चुके हैं करके, यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया इनको और इनको एक्सपर्ट बना दिया है। तो ये वेल्डिंग करेंगे, मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ, मुझे नहीं आता इनके बारे में वेल्डिंग किस तरह से करते हैं। हाँ, ये चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये CPU है इसका। CPU क्या है, ये दिमाग है जो कैलकुलेशन करेगा कितनी स्पीड, कितना हमें इसका कंट्रोल करना है, ये करेगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पावर सोर्स जो है ये कंट्रोल करेगा कि कितनी पावर देनी है। ओके, पावर की अगर प्रॉब्लम आती है, फ्लक्चुएशन की, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये ट्रांसफार्मर हमारा हमारे पास वोल्टेज अप डाउन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को। इसके अलावा यहाँ पे देखे हुए तो हमारे, तो यहाँ पे हमारे पास MS है, ये MS जो हमारे पास यूज कर रहे हैं कॉपर कोटेड है। कॉपर कोटेड का भी फायदा ये जंग वगैरह से बचता है। तो ये हम यूज करेंगे, मिग वेल्डिंग आपको दिखाने वाले हैं। तो क्या आप एक्साइटेड है, और अगर आप देखना चाहते हो मजा आएगा आपको देखने का, तो स्टार्ट करते हैं इसकी वेल्डिंग को। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है। तो ये इनके हाथ में जो है ये रिमोट कंट्रोल है एक तरह का, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये प्रोग्रामिंग हमने फिक्स कर रखी है इनको, अभी आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कौन सी प्रोग्रामिंग किस तरह से, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सिखाया गया है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। पहले तो हम यहाँ पे वर्कपीस रखते हैं, और वर्कपीस जो है वो 10 mm का हमने रखा है, और बट ज्वाइंट हम इसमें बनाना चाहते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेट करने के बाद और इसको हम क्लिक करेंगे और इसको रोबोटिक आर्म को यूज करेंगे। रोबोटिक आर्म है इसमें वेल्डिंग करेगी, और यहाँ पे देखिए कि रोबोटिक आर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इनमें प्रोग्रामिंग के बाद ये देखिए हमारे पास रोबोटिक आर्म किस तरह से वर्क करती है, बहुत ही खूबसूरत होता है इसको देखना। पहले जॉइंट्स बना ले, और ये जॉइंट्स जो है बन चुके हैं, और जॉइंट्स बनने के बाद ये वेल्डिंग हो रही है। हो चुका, और इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग ज्वाइंट जो है वो कंप्लीट बन चुका है। बट ज्वाइंट यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग,
और यहाँ पे वेल्डिंग ज्वाइंट जो है वो बन चुका है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसे एक्यूरेसी जो है वेल्ड की वो जबरदस्त आती है और इस तरह से आप इस वेल्डिंग को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।